नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन, रानी रत्नों का रहस्यमय संसार। मरमन एस्ट्रोलॉजर चंडीगढ़ से। आज का टॉपिक क्या है कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं इनको सही करने के लिए ऐसा कोई रत्न बना है, या कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाह रहा हूं, इसका सारा श्रेय, इसका सारा क्रेडिट राहु को जाएगा। शुक्र राहु दोनों, ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं, अगर ये आपकी कुंडली में इकट्ठे बैठ चुके हैं सप्तम भाव में, 1, 4, 7, 10 में, वह आमने सामने आ चुके हैं। शुक्र की महादशा लग चुकी है, राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी वैवाहिक सुख के अंदर कमी, बहुत भारी कमी आएगी। तो ऐसा क्या रत्न हमारी हेल्प कर सकते हैं, इसमें रत्न हम पहनेंगे। अब क्या होता है कि जिनको, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैंने आपको बताया है, तो डेफिनेटली हस्बैंड, अगर उसका ऐसा कोई चीज है, तो वाइफ उसको डाल के अपने और आकर्षित कर सकती है। वाइफ का है तो क्या हस्बैंड अपनी और आकर्षित कर सकता है? तो दोस्तों, मैं बता देना चाह रहा हूं, इसका एक ही तोड़ है, वो है ब्रह्मास्त्र, वो है हीरा, डायमंड। हीरे के अंदर बहुत भारी भरकम वशीकरण शक्ति होती है, बड़े बड़ों को मोह लेता है अपनी तरफ। तो अब करना क्या है दोस्तों, अब करना यह है कि अगर आपको इस चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी हो रही है, तो आपने करना क्या है, आपने व्हाइट गोल्ड के अंदर, प्लेटिनम के अंदर हीरा 1 कैरेट का डालना है, राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में, दिन शुक्रवार, लैब टेस्टेड आपने लेना है, पूजा करवा के शुद्ध करवा। और हाँ, मैं एक चीज और इस साथ में बता दूं कि हीरे के ग्रेड्स आते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेड्स का हीरा होता है। व्हाइट मतलब प्योर व्हाइट हीरा होना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, मैं एक और चीज इसी के साथ ऐड करने जा रहा हूं कि अगर ऐसी कोई दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानी आपके आपके साथ या आपके फैमिली मेंबर के साथ चल रही है, तो शुक्र के छोटे छोटे टिप्स हैं, उपाय हैं, उनको आप फॉलो करिए, रिजल्ट्स आएंगे। मैं पक्का विश्वास के साथ इस चीज को बोल रहा हूं। अब दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे 94.3 MyFM पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ, ये जो नीचे स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आप कॉल करके पर्सनली जा टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से मिलना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो इस नंबर के ऊपर आपको कॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।